गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। और मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम मंडे ट्यूसडे ईवीएस पढ़ेंगे, वेनसडे थर्सडे मोरल माइंड्स पढ़ेंगे और फिर फ्राइडे और सैटरडे वापस से ईवीएस पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ मंडे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ ईवीएस माई फैमिली। आप लोगों की सब बच्चों की कॉपीज चेक हो गई हैं। अच्छा, एक और बात, आपकी जब मैंने आपको गिफ्ट देने का जो बोला था तो वो अभी मैं कैसे भिजवाऊँ, तो जब आप स्कूल आओगे तब सब बच्चों को मिलेगा जिन्होंने अच्छा काम किया। मैंने उनके सबके नाम नोट कर लिए हैं अपने पास, ठीक है। तो दे विल गेट देयर रिटर्न गिफ्ट और आई प्रॉमिस, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि कुछ स्टूडेंट दूसरी ब्रांच के हैं तो वो मुझसे तो मिल नहीं पाएंगे, तो हाउ आई विल गिव देम। इसीलिए अभी मैंने ड्यू कर दिया है, आप सब लोगों की जो चॉकलेट्स हैं वो ड्यू हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों ने बहुत अच्छे से काम किया है, कुछ कुछ बच्चों ने थोड़ी मिस्टेक की है। और सबसे बड़ी बात कि किसी ने ईवीएस का सेकंड चैप्टर ही कंप्लीट नहीं किया हुआ है, किसी ने मोरल माइंड का नहीं। मैंने आपको क्या कहा था, जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब आपको कॉपी सबमिट करनी है, ठीक है। ऐसे आधा आधा मत दिया करो। और बाकी तो सब ठीक था, कुछ कुछ बच्चों की तो राइटिंग बहुत ही अच्छी है, आई एम रियली ग्लैड। और उनको मैंने गुड भी दिया है, वो खुद समझ जाएंगे। अच्छा, और जिन बच्चों ने कॉपीज़ चेक करने के लिए नहीं दी हैं वो अब अपने पास ही रखो, अब तो मुझे चाहिए भी नहीं आपकी कॉपीज़। जब मैंने आपको सैटरडे तक का टाइम दिया था तो क्यों नहीं दी। और जिन बच्चों ने कॉपीज़ चेक करने के लिए दी हैं उनकी गिफ्ट भी ड्यू है और उनको उनकी अच्छे से उनकी गिफ्ट भी मिल जाएगी उनको, ठीक है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं ईवीएस का ये नया चैप्टर, ठीक। बुक खोलो सब बच्चे, ओपन योर बुक्स, ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 1515। 15 पेज नंबर पे खोलेंगे। चैप्टर नेम इज माई फैमिली। माई फैमिली का मीन्स होता है मेरा परिवार, जहाँ आप रहते हो दैट इज नोन एज फैमिली। माई फैमिली मीन्स मेरा परिवार, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ पेज नंबर 1515 पर ही कुछ जगह पर कुछ पिक्स दी गई हैं, देखेंगे हम। देखो ये, देखो यहाँ पर आपको लिखना है ठीक से। आप देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये दिस इज जंबल वर्ड, ठीक है ना। RTHMEO मैंने इसको क्या बना दिया, मदर बना दिया, MOTHER। आपको इस वर्ड को ढूंढ कर बताना है कि ये क्या वर्ड बन सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, इस बच्चे के साथ कौन खड़ा है, उसके फादर खड़े हैं, उसके पापा खड़े हैं। तो ये जो जंबल वर्ड दिया हुआ है इसको हमने क्या लिख दिया, FATHER, फादर। यहाँ देखो दो, एक भाई और एक बहन खड़ी है और जंबल वर्ड में दिया है RISETS, तो हमने इसको क्या बनाया, सिस्टर, SISTER, ओके। इसी तरीके से इस वाली पिक में देखो, यहाँ पर भी एक भाई और एक बहन खड़ी है तो, और यहाँ पर लिखा है RRTHEOB, और ये देखो लड़की उसको पॉइंट कर रही है, उसकी तरफ उंगली दिखा रही है कि ये मेरा कौन है, ब्रदर। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, BROTHER, ब्रदर। तो देखो सारी की सारी पिक्स में मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, आपने क्या किया, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं जंबल फॉर्म में उनको आपने सिस्टमैटिक कर दिया, ठीक है। सभी बच्चों को ये काम यहीं करना है और बुक में ही करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको कर सकते हो, ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे। वी ऑल लिव इन द फैमिली। हम क्या सब लोग अपनी फैमिली में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, है ना। वी ऑल लिव इन अ फैमिली, ऑल द पीपल हु स्टे विद अस एंड आर रिलेटेड टू अस आर अवर फैमिली मेम्बर्स। हम फैमिली में रहते हैं, सब बच्चे फैमिली में रहते हैं, कोई स्कूल में तो रहता नहीं है। ऑल द पीपल हु स्टे विद अस, हमारे साथ जितने भी लोग स्टे हो करते हैं, स्टे मतलब रहते हैं, एंड आर रिलेटेड टू अस, और जो हमसे रिलेटेड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अवर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। वी हैव अवर पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन अवर फैमिली। यही होता है, हमारे घर में कौन कौन रहते हैं,
हमारे ब्रदर सिस्टर्स रहते हैं, हमारे पेरेंट्स मतलब मदर और फादर रहते हैं, और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। लेकिन अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैडम, हमारे यहाँ तो चाचा जी भी रहते हैं, चाची जी भी रहते हैं, सब रहते हैं, तो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सम ऑफ अस हैव अंकल आंट्स एंड कजन्स, वही ये कह रहे हैं कि हमारे घर में कुछ कुछ लोगों के घर में अंकल आंट्स और कजन्स भी रहते हैं। अंकल और आंट और कज़न क्या होते हैं? चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, ताई जी, ये सब कौन होते हैं? अंकल और आंट्स, ठीक है। और जो हमारे बाकी भाई बहन होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं? कज़न्स होते हैं। एक तो आपके रियल ब्रदर और रियल सिस्टर होता है, वो तो होते हैं सिबलिंग। और जो चाचा जी का बेटा, चाचा जी की बेटी, या फिर ताऊ जी का बेटा, ताऊ जी की बेटी, ये सब कौन होते हैं? कज़न्स होते हैं, है ना, ठीक है। दे ऑल लिव टुगेदर इन वन हाउस एंड आर पार्ट ऑफ अवर फैमिली, वो भी हमारे साथ घर में रह सकते हैं, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ अवर फैमिली, वो हमारी फैमिली का पार्ट हो सकते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, दो टाइप की फैमिली होती हैं। पहले तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फैमिली क्या हुई? हम जहाँ रहते हैं, वी लिव इन अवर फैमिली, ठीक है। अब फैमिली क्या होती है? ऑल द पीपल, सभी लोग हु स्टे टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं, एंड आर रिलेटेड टू अस, और जो हमसे रिलेटेड हैं वो क्या होते हैं? हमारी फैमिली होते हैं, ठीक है। दे आर अवर फैमिली मेम्बर्स, वी हैव अवर पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन अवर फैमिली। हमारी फैमिली में कौन कौन होता है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, और हमारे ब्रदर या सिस्टर्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सिबलिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब ये कह रहे हैं कि लेकिन कुछ कुछ लोगों के घर में तो अंकल्स, आंट्स और कज़न्स भी रहते हैं, तो वो हमारी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारी फैमिली का पार्ट होते हैं, ठीक है। अब दो तरीके की फैमिली, स्मॉल फैमिली और बिग फैमिली। स्मॉल फैमिली में क्या होता है? तो हमने अभी इस चैप्टर में क्या पढ़ा? ये कोई बच्चा कॉपी में लिखेगा नहीं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ बोर्ड पे। जब मैं बोलूँगी लिखना है कॉपी में, वही लिखना है सिर्फ, ठीक है। जो मैं समझा रही हूँ उसको सिर्फ सुनना है, और साथ साथ में बुक की रीडिंग करनी है, बस इतना ही काम करना है आपको। तो फैमिली हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप की फैमिली होती है। तो टू टाइप की फैमिली होती है, टू टाइप्स की फैमिली होती है, ठीक है। पहली स्मॉल फैमिली और दूसरी होती है बिग फैमिली, ठीक है। और एक होती है बिग फैमिली। अब स्मॉल फैमिली में क्या होता है? स्मॉल फैमिली में पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है ना। आप देखो बुक पे पढ़ो, 15 पेज नंबर पे, स्मॉल फैमिली। निहारिका लिव्स विद हर फादर, मदर एंड हिज लिटिल ब्रदर। दे आर ओनली 4 पीपल इन हर फैमिली। निहारिकाज फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली। अ स्मॉल फैमिली इज वन इन विच पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर। अब देखो आप लोगों में भी, आपके दोस्तों में भी ऐसा होता होगा, किसी किसी के घर में सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे ही होते हैं, है ना, और किसी किसी के घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं और उनके अंकल आंट्स कज़न्स सब लोग रहते हैं, तो वो तो बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होती है। और कुछ कुछ जो छोटी छोटी फैमिलीज होती है जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली। और स्मॉल फैमिली को एक और चीज़ कहते हैं, NUCLEAR, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। या तो स्मॉल फैमिली कहते हैं या फिर न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। अब स्मॉल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली में हमने क्या देखा, वापस से सुन लो। इसमें फर्स्ट टाइप की जो फैमिली होती है वो स्मॉल फैमिली होती है। स्मॉल फैमिली में सिर्फ कौन कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। अब ये तो आप ही जानो कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो या बिग फैमिली में रहते हो। तो स्मॉल फैमिली को क्या कहते हैं?
न्यूक्लियर फैमिली और जिसमें कौन कौन होता है सिर्फ पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन। अब इसमें निहारिका की जो बात है तो निहारिका के घर में कौन है, उसके मम्मी, उसके पापा, वो पेरेंट्स हो गए, और उसका भाई और वो खुद, तो वो चिल्ड्रन हो गए। मम्मी पापा कौन हो गए, पेरेंट्स, और निहारिका और उसका भाई क्या हो गए, चिल्ड्रन। तो पेरेंट और चिल्ड्रन मतलब निहारिका की फैमिली कैसी फैमिली है, स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली को और क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, है ना। तो अब अभी क्लास में आप होते तो मैं आपसे पूछती कि आपकी फैमिली कैसी है, न्यूक्लियर फैमिली या फिर बिग फैमिली। तो आपको पता होना चाहिए अगर आपके घर में सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन है तो आपकी फैमिली स्मॉल फैमिली है, या फिर न्यूक्लियर फैमिली भी कह सकते हैं, है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बिग फैमिली क्या होती है। तो बिग फैमिली सेकेंड जो होती है, इट इज बिग फैमिली। बिग फैमिली में कौन कौन होते हैं पता है, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, और फिर पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, कजन्स और सिबलिंग्स। इतने ढेर सारे लोग, जब इतने ढेर सारे लोग होते हैं तो वो फैमिली कैसी होगी, बिग फैमिली होगी, होगी ना। और इस बिग फैमिली को क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली, JOINTFAMILY। इसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा कि दो तरीके की फैमिलीज होती है, एक में सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं, वो तो क्या होती है, स्मॉल फैमिली, और उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। एक और जो बिग फैमिली होती है उसमें तो ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट सब लोग होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली। इतनी बात समझ में आ गई छोटे बच्चों को, वेरी गुड। अब इसमें बिग फैमिली में देखो, रुचि जो है, निहारिका की तो छोटी सी फैमिली थी, निहारिका तो न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी, उसकी तो छोटी सी स्मॉल सी फैमिली थी, पेरेंट्स और चिल्ड्रन। अब इसमें एक और दी हुई है रुचि, बिग फैमिली में देखो, है ना, तो रुचि लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर्स, अंकल्स, आंट्स एंड देयर किड्स टुगेदर इन वन हाउस। एक ही घर में रहते हैं ये लोग, इतने सारे लोग, हर अंकल्स चिल्ड्रन एंड हर अंकल्स आंट, वो हर रुचि'स फैमिली इज अ बिग फैमिली। अ बिग फैमिली इज वन इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल, आंट्स एंड कजन्स लिव टुगेदर, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बताती हूँ, कजन्स क्या होते हैं। अब हमने लिखा ना यहाँ पे कजन्स और सिबलिंग्स, तो कजन्स और सिबलिंग्स क्या होते हैं बताऊँ, समझ लो इसको भी। ये कोई बच्चा कॉपी में नहीं करेगा, ठीक, ये सिर्फ आपको चैप्टर समझाने के लिए लिख रही हूँ। हम बात करते हैं सिबलिंग्स और कजन्स, जो आपके रियल ब्रदर सिस्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिबलिंग्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गए रियल ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, और चाचा जी के, चाची जी के, या फिर ताऊ ताई के जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, कजन्स कहते हैं। तो अंकल्स एंड आंट्स चिल्ड्रन वो कौन होते हैं, कजन्स कहलाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखो, अपन ने क्या क्या पढ़ा, फैमिली पढ़ी, फैमिली क्या होता है, जहाँ पर आप साथ में रहते हो, ठीक, वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। और आपके घर में अगर सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन रहते हो तो आप छोटी फैमिली वाले हो, जिसको कि न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। और अगर आपके घर में ढेर सारे लोग रहते हैं, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, दादा, दादी, तो और कजन्स भी हैं ढेर सारे, तो वो आपकी हो जाती है बिग फैमिली, ठीक है। तो अब आपको ये पता करना है कि आप बिग फैमिली में रहते हो कि स्मॉल फैमिली में, मतलब न्यूक्लियर फैमिली में कि ज्वाइंट फैमिली में, ठीक है।
तो अभी हमने इतना पढ़ा, अब हम कल एक और चीज़ पढ़ेंगे इसमें, नेम और सरनेम, ठीक, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। जितना मैंने पढ़ाया है उसको वापस से एक बार रीडिंग लगाओगे तो आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट पढ़ाई करना, अच्छे से मोरल माइंड हम वेनसडे को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ना शुरू कर दो, थर्ड नंबर के चैप्टर को। और अभी भी जिन बच्चों ने EVS के दोनों चैप्टर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट करके नहीं दिए हैं उनको मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, लास्ट चांस दे रही हूँ, अभी भी सबमिट कर दो। इस फ्राइडे तक भी सबमिट कर दोगे तो मैं चेक कर दूँगी, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, टेस्ट में उनको 00 मिलेगा और लेट वर्क भी मिलेगा, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे इस चैप्टर के आगे क्या पढ़ाते हैं ये लोग, तब तक आप अपना काम कंप्लीट करो और इस चैप्टर की रीडिंग लगा लो, ठीक है। बाय बाय।